नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से देवी छाया के विवाह का प्रस्ताव यानी सप्तपदी का प्रस्ताव लेकर के शनि देव जाते हैं सूर्यदेव के पास और उनको इस विचार के लिए मना लेते हैं कि इस संसार के लिए आप एक उदाहरण सिद्ध करेंगे कि अगर सप्तपदी आप कर लेते हैं तो आप एक छाया को अस्तित्व दे देंगे जो कि इस संसार को मानना सहज होगा। मानना यह सहज होगा कि व्यक्ति जो है वो जन्म से नहीं कर्म से बंधा होता है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में जैसे ही वार्तालाप चल रही होती है कि अचानक वहां पर एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट देखने में तो ऐसा लगा कि जनरेटर फेलियर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था बल्कि देवी संज्ञा ने वो विस्फोट किया था कि मैं इस अग्निकुंड बना करके उसके अंदर प्रवाह कर जाती हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन का कोई कर्तव्य ढंग से किया ही नहीं। अभी तो ना मैं अच्छी पत्नी बन पाई, ना मैं अच्छी मां बन पाई, ना मैं अच्छी संचालक बन पाई आपकी, तो एक काम करते हैं मैं अपने जीवन के इसी में कूद के। देवी संज्ञा के जब सारे पैतरे फेल हो गए तो उन्होंने फिर से वही योजना शुरू की बुद्धि से खेलने वाली। हाँ। सूर्य देव के साथ वो बुद्धि वाला गेम खेल रही हैं और कहीं ना कहीं सूर्य देव को उन्होंने चित कर दिया, ये कन्विंस कर दिया है कि ठीक है मैं सुधर गई हूँ, अब मुझे एक अवसर और दे। अच्छा, सूर्य देव भी कहीं ना कहीं कन्विंस होने ही जा रहे थे शनिदेव की बातों से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देवी संज्ञा अपना ये स्टेप लेने जा रही है, स्टेप शुद्धिकरण का प्रस्ताव रख रही है कि मैं शुद्ध हो चुकी हूं, तो एक काम करते हैं अभी इस स्टेप को हम नहीं लेंगे या नहीं ले पाऊंगा, ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया। देखते हैं काकोल को किसने बंदी बनाया है फूल चुनने के रास्ते में और क्या यम देवी संज्ञा को रोक पाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 148 पार्ट 2। ऐसा मत कहो माता, मैं विवश था। पुत्र, मैं महादेव की आराधना करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मेरी आराधना पर भी दृष्टि रखनी होगी? कहीं निकलना चाह रही है। मैं बहुत ही समझ रहा हूँ। मुझे आप पर विश्वास है माता, मैं आपके कक्ष के बाहर ही रहूंगा, आपको कोई आवश्यकता हो तो मुझे पुकार लीजिएगा। व्यक्ति अपनों से ही धोखा खाता है। दो लोग को देव को बना दिया, तीन प्यार बुद्धि की पोटली में लपेट के। हाँ अच्छा, ऑक्सीजन दिखाने रवा नहीं हो रहा था। कहाँ रह गई देवी? ये देवी संज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तो वो पोर्टल किसने बना रखा है? दोनों योजना एक साथ चल रही हैं कि काकोल को उन्होंने फंसा दिया, सनीदेव को किस तरह व्यस्त कर दिया। आपने विलंब कर दिया देवी। मैं समय पर ही हूँ देवराज, ये तो मेरी योजना का एक भाग था, शनि को मार्ग से हटा। परंतु योजना क्या है देवी, शनि से छुटकारा पाने के लिए क्या सोचा है आपने? शीघ्र ही जान जाएंगे, आइए मेरे साथ। काकोल! 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 कितना विचित्र स्थान है, यहाँ लाने का कारण क्या है देवी संज्ञा? कभी कभी पीछे चलना भी सीखिए देवराज इंद्र। अरे ओहो, माली सुमाली। प्रतीत होता है कि देवराज फिर से हमें मारने का प्रयास करने आए हैं। उन्हें प्रयास करने से पहले हम आपको इतना बता दें देवराज, हमें महादेव का वरदान प्राप्त है। हम पर प्रहार करने से पूर्व महादेव का त्रिशूल आपकी छाती पर होगा,
देवराज को यहाँ मैं लेकर आई हूँ असुर श्रेष्ठ। कैसे फंसाया भाई? हमारा शत्रु जिसे हमें मृत्यु के मुख में भेजना है, शनि। मैं शनि का अंत चाहती हूँ। प्रकरण हुआ क्या? ये पूरा काम हुआ कैसे, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। कहीं भी कुछ भी दिखा दे रहे हैं, कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। शनि महादेव का सृजन है और कोई उसका वध नहीं कर सकता। अभी वो केवल बात करने हैं, मुझे रिएक्शन देखना होता है। महादेव का वरदान प्राप्त है तो क्यों ना हम साथ मिलकर शनि के विरुद्ध युद्ध करें? क्यों भी संज्ञा आप प्रस्ताव ले? मुझे विश्वास है इसमें असुरों का भी लाभ है। आज शनि ने आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए फल दिया है, परंतु एक दिन वो आपको आपके बुरे कर्मों का दंड भी अवश्य देगा। तुमने सोचा भी कैसे कि हम शनि का कुछ अहित होने देंगे? गेम तो पलट रहा है। शनि की दृष्टि के कारण हमारा तप पूर्ण हुआ है। शनि सदैव देवों के अन्याय के विरुद्ध हमारे साथ खड़ा रहा, हम उसका नाश नहीं होने देंगे। कौन रोकेगा मुझे? शनि सूर्य पुत्र है और मैं सूर्य पत्नी। यदि शनि के विरुद्ध कुछ भी सोचा सूर्य पत्नी, तो स्मरण रहे तुम्हारे जीवन में अंधकार निश्चित है। ये तो पूरा गेम पलट गया। ना ना ना, गेम कुछ तो होगा। हो गया इनका काम, हम सकल है ना, अपना विरोधी बना दिया, अब वो देवी छाया के विरोधी होगी। सामने देखकर किसी को मुस्कुराते हुए पहली बार देख रहा हूँ देवी। किसने कहा था ऐसी मूर्खतापूर्ण योजना बनाने के लिए? शनि के प्राण लेने की चाह में आपने माली सुमाली को अपना शत्रु बना लिया। यही तो चाहती थी। जब योजना सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मूर्ख कौन है। स्पष्ट कीजिए देवी। माली सुमाली को वरदान है, यदि कोई उन पर आक्रमण करेगा तो महादेव स्वयं उनकी रक्षा करेंगे और आक्रमणकारी का वध कर देंगे। जानता हूं। और माली सुमाली शनि का वध नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो किसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? आपके। देवी छाया के। सूर्य पत्नी के। वो छाया को संज्ञा समझकर उसका वध करने का प्रयास करेंगे और छाया की रक्षा के लिए कौन आएगा? और फिर स्वयं महादेव अपने सृजन का वध करेंगे। सो इजी। आलू लो, फ्राई करो, दही डालो, मीठी चटनी। उत्तम है देव, परंतु मसाला। ये कार्य आप अकेली भी कर सकती थी, मुझे लाने का कारण। माली सुमाली का मार्गदर्शन केवल आप कर सकते हैं देवराज, उन्हें केवल आप समझा सकते हैं कि शनि की रक्षा के लिए सूर्य पत्नी का वध आवश्यक है। खोपड़ी है भाई साहब, बहुत डेंजरस चांडाल खोपड़ी है एकदम। ठाकुर तुम ठीक तो हो ना? धन्यवाद मित्र। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जाल देवी संज्ञा के लिए था। नहीं काकुर, ये चाल हमें पथ से भटकाने के लिए था। हमें तुरंत सूर्यलोक जाना होगा। आओ। कैसा दुसाहस था ये? दुसाहस से अधिक पाप था। सूर्य पत्नी होकर सूर्य पुत्र का वध करना चाहती है। हमें गुरु आचार्य को इस विषय में बताना होगा, शीघ्रता करो। प्रणिपात आचार्य, हम आपके पास आ रहे थे आचार्य।
सूरी की पत्नी देवराज को लेकर हमारे पास आई थी आचार्य। मैं शनि का अंत चाहती हूँ, तो क्यों ना हम साथ मिलकर शनि के विरुद्ध युद्ध करें। शनि का अस्तित्व रहना केवल असुरों के लिए ही नहीं, पूरी सृष्टि के लिए आवश्यक है। तुमने सहायता के लिए मना किया, परंतु सूर्य पत्नी अवश्य कोई मार्ग ढूंढ लेगी। तो हम क्या करें आचार्य? अब केवल एक ही मार्ग है, सूर्य पत्नी का वध। आधा काम तो इन्होंने ही कर दिया। परंतु आचार्य, वो तो सूर्य देव की पत्नी है। और शनि कर्म फलदाता, सृष्टि को सूर्य पत्नी से अधिक शनि की आवश्यकता है। ये देवराज इंद्र तो नहीं? जो सदैव तुम्हारी रक्षा का वचन दे चुके। ये भी हो सकता है भाई, तुम्हें उन्हीं महादेव के सृजन की रक्षा करनी होगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ, हमें शीघ्र ही देवी संज्ञा का वध करना होगा। क्योंकि अगर गुरु शुक्राचार्य होते ना तो बताते कि उनकी माता दो हैं, देवी छाया के बारे में बताते उनको। अद्भुत, बड़ा खेला चल रहा भाई। तो मास्टर माइंड हो गया, एकदम मास्टर फिलहाल हो गया भाई। अद्भुत, एक स्त्री क्या कर सकती, उसका अनुमान मुझे आज हुआ। चले सबको मार पर लाते हो ना, चल कर रहे वो नजारा। देवी संज्ञा और देवराज इंद्र तुम्हें मृत्यु के मार्ग पर ले आएंगे। हम लोग देरी से समझे प्लान को, लेकिन समझ लिए जिस प्रकार से एपिसोड चल रहा था, एपिसोड में ही समझ लिए कि क्या योजना चल रही है देवी संज्ञा के मन में। लास्ट में जब गुरु शुक्राचार्य आए तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु शुक्राचार्य बहुत कुछ छुपा रहे, हो सकता है ये देवराज इंद्र ही हो, और आखिरी में वो चीज भी वैसे ही निकल। क्योंकि गुरु शुक्राचार्य अगर सामने होते तो अवश्य बताते कि वो संज्ञा है, वो देवी संज्ञा है और देवी संज्ञा भी उनकी माता है, तो वध करना अनुचित होगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आज्ञा दे दी, माली सुमाली अटैक करने जाएंगे देवी छाया पर। अच्छा, एक और चीज देखने लायक थी कि कभी भी इन्होंने आक्रमण करने के लिए किसी स्त्री पे कहा नहीं। इन्होंने हमेशा स्त्री का रक्षण भी किया है। जब इन्होंने वो चक्रवात दानव बनाया था, जब इनकी माता फंसी थी छाया, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये देवराज इंद्र यहाँ पे एक निर्दोष के प्राण। गुरु शुक्राचार्य को शनिदेव पे भरोसा है कि उनका अंत करना इतना आसान नहीं। अब जिस प्रकार से माली सुमाली जाएंगे देवी छाया का अंत करने, और जब प्रहार करेंगे तो कहीं ना कहीं पलट के वार होगा शनि देव का इन पर, और महादेव को प्रकट होना पड़ेगा। अरे अच्छा, ये यार भाई एकदम चांडाल खोपड़ी इस्तेमाल की गई है। तो चलिए, कैसे कैसे आगे प्रकट होंगे, कैसे कैसे देवी संज्ञा को उनके इस कर्म का दंड मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ दृष्टि में तो है। और शनि देव किस प्रकार से अपनी और माता की रक्षा करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। इस एपिसोड में करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।